कौन डैडी? नहीं अभी नहीं, टाइम लगेगा डैडी वाले। बहुत अच्छा बनाएगा, खा लो। मैं रात को खा लूंगा। खुश रहिए। हाँ, लाइट नहीं जलाई। तो गाइस वो लोग जा चुके हैं, अभी 5 o'clock ही हुए हैं अभी, और अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो लोग जाते हुए। चलिए थोड़ा वो दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आज चेतन की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आज ये जा रहा है, तो इसको छोड़ने के लिए सूर्या के डैडी और चेतन दोनों जा रहे हैं। तो गाइस गाड़ी जो है आगे खड़ी है रोड पे, तो आगे अंधेरा हो रहा है इसीलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस गाइस मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे 2 प्याज कट करके रख लिए हैं बड़े बड़े स्लाइसेस में, देखिए, क्योंकि आज ऑनियन राइस बनाने हैं। भूनमी ने कहा मुझे ऑनियन राइस लेके जाने हैं टिफिन में, इसीलिए। तो गाइस ये बहुत जल्दी और झटपट बनने वाले राइस हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और तेल के अंदर सबसे पहले डालूंगी यहाँ पे राई, और राई के चटकने के बाद गाइस यहाँ पे जो मैंने ऑनियन कट करके रखे हैं वो डाल दूंगी सभी। तो गाइस यहाँ पे ऑनियन राइस बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाए थे लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। और बस गाइस इनको अच्छी तरह से कर देती हूँ मिक्स। इनको मिक्स करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन, जो मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, 2-3 कलियाँ थी लहसुन की, ज़्यादा तो नहीं थी, और वो अच्छी तरह से पीस के और वो डाल दी है। उसके बाद गाइस थोड़ी सी जिंजर जो होती है उसको भी मैंने कट कर करके और थोड़ा अच्छी तरह से पीस के वो भी डाल दी है दोनों को। तो कोई चाहे तो आप पहले भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख सकते हो, क्योंकि मैं रखती हूँ लेकिन आज मेरा ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेपरेट पीस के डाला है। और अब इन सबको कर देती हूँ यहाँ पे मिक्स। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है गाइस। आप बच्चे अगर जल्दी जल्दी कुछ खाना चाहें कि जल्दी से हमें कुछ बना के दो, तो ये फटाफट बन जाते हैं गाइस, इतना इजी से बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। और गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्तों को भी मैं इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। और गाइस मैंने यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चों को खाना है इसीलिए। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, मिर्ची थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है, तो बच्चों को ज़्यादा डालती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 चम्मच जो होता है सांभर मसाला, तो ये सांभर मसाला मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। सांभर मसाला दुकानों पे मिल जाता है तो वही रेडीमेड है। और गाइस स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है यहाँ पे इनके ऊपर, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गाइस बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, और भूमि ने डिमांड की थी कि आज मुझे तो चावल ही लेके जाने, वो भी ऑनियन राइस ही लेके जाने, इसीलिए गाइस मैंने आज सुबह सुबह ऑनियन राइस बनाए हैं। और यहाँ पे गैस कम कर दिया है गैस को, और गाइस इसमें मैं अभी थोड़ा नीचे ना लग जाए इसीलिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, छोटी जो चम्मच होती है 1 चम्मच उतना सा पानी डाला है, जिससे कि ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और प्याज भी जो है जो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगी इसीलिए। तो बस गाइस यहाँ से अच्छी तरह से इनको सबको मिक्स कर लेती हूँ जब तक थोड़ा पानी जल जाता है तब तक, क्यों पानी मैंने थोड़ा ही डाला है, वैसे पानी मैंने ज़्यादा डाला नहीं है। और बस गाइस इसी तरह से फटाफट से बना लेती हूँ। दूसरी साइड मैंने गाइस चावल भी चढ़ा रखे हैं बॉईल होने के लिए, और चावलों में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है पहले से, इसलिए मैंने थोड़ा नमक इसमें कम डाला है। और ये देखिए गाइस मेरा मसाला बनके रेडी है, और मैंने पानी निकाल दिया था चावलों का, अब इनमें मैं चावल जो है मिक्स कर दूंगी। चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस गाइस, जो कि अच्छे खिले खिले बने हैं, देखिए एक एक चावल हो जाते हैं। अभी चावलों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, अब इनको अच्छी तरह से नीचे से मतलब चम्मच डाल डाल के मैं ऊपर करती हूँ, जिससे कि हमारे चावल टूटे नहीं। और लास्ट में गाइस मैंने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया, हरा धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया मेरे चावलों का, चावल बहुत ही टेस्टी बने थे। तो चलिए गाइस अभी दोनों बच्चों को मैं डाल देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि बच्चे आज सिर्फ चावल ही लेके जाएंगे, साथ में कुछ नहीं, स्नैक्स वगैरह अलग से लेके जाएंगे, बाकी रोटी नहीं लेके जाएंगे। बच्चे रोटी बहुत कम खाने में खुश रहते हैं मेरे वाले, दोनों बच्चे बोलते हैं हमको चावल ही दे दिया करो, रोटी क्यों देते हो। लेकिन गाइस हम लोग जो है रोटी खाते हैं, ये बच्चों को चावल अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए इन लोगों के लिए बनाए हैं चावल, और अपने लिए तो मैं रोटी ही बनाऊंगी। तो देखिए गाइस कितने अच्छे और बहुत ही टेस्टी चावल बने थे। तो बस गाइस फटाफट से अभी टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो ये देखिए गाइस एक एक दाना दाना बना है, और बहुत ही टेस्टी, और देखिए दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे, तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो बस गाइस नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और अभी जाऊंगी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो उससे पहले मैं इनको कर देती हूँ तैयार। तो चलिए गाइस फटाफट से रेडी कर देती हूँ, खाना वाना तो मैंने पहले ही बना के रख दिया है, टिफिन वगैरह पैक कर दिया है, और फटाफट से बच्चों को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद गाइस उनको छोड़ने के लिए जाना है मुझे।
तो गाइज यहाँ पे दोनों बच्चे नहा के और यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, तो यहाँ पे मैं अभी भूमि को पहना देती हूँ सॉक्स, क्योंकि अभी इनका स्कूल का टाइम भी हो गया है और आज सूर्या के डैडी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि सुबह गए थे वो चेतन को छोड़ने के लिए, इसीलिए। तो गाइज यहाँ पे अभी मुझे ही जाना है छोड़ने के लिए, तो गाइज यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, बच्चों को दोनों को नहला दिया है और यहाँ पे अभी इसको सॉक्स पहना रही हूँ। और गाइज अभी भूमि को नहलाया है तो इसका सर भी थोड़ा गीला है, तो ये बोल रही थोड़ा तेल लगा दो, तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा तेल लगा रही हूँ उसको, जिससे कि इसके बाल जो है गीले गीले जम जाएंगे। वैसे गीले तेल गीले सर में लगाते नहीं है, लेकिन अभी इसको जाना है स्कूल में तो फिर सूख जाएंगे बाल, तो फिर उलझ जाते हैं स्कूल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का हल्का तेल लगाया ऊपर ऊपर। और बस अभी इसको कॉम कर देती हूँ और गाइज इनको दोनों को रेडी करके फिर स्कूल लेके जाऊंगी अभी। खा ले फटाफट खा ले ऐसे कोई जान नहीं लेगा। चलो चलो अब भैया को दे दे, मम्मा एक बाइट करके भैया को दे दे, हाँ भैया को दे दे, हाँ ये भैया को दे दे ऊपर वाली। लेट क्यों कर रही तू, भैया चला गया। हाँ जल्दी आ गए ना, अभी आ गए तो कौन डैडी? नहीं अभी नहीं, टाइम लगेगा डैडी वाले। तो गाइस बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ वापस घर पे। और अभी सूर्या की डैडी तो है नहीं, इसीलिए गाइस मैं आई थी छोड़ने के लिए, वो गए चेतन को छोड़ने के लिए, तो अभी पूरा काम ऐसे कैसे पड़ा है, बस बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी, वो जा रही हूँ घर पे। तो बस गाइस घर पे आ गई हूँ और बच्चों को छोड़ के आ गई बस तक, और गाइस पूरा घर ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है, पूरा ऐसे कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े, वो खान आस्था करके गए वो भी छोड़ के चले गए, देखिए कैसे बिखरा हुआ है। तो अभी गाइस का पूरा काम करूंगी, पूरा काम ऐसे कैसे पड़ा है, कुछ नहीं हुआ, नहाना हुआ था, बच्चों को नहला दिया था, मैं खुद नहा ली थी और बस छोड़ के आई हूँ बच्चों को। तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरा काम कर लिया है मैंने, झाड़ू भी कर ली है, पोछा भी मार लिया है, और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े थे वो भी घड़ी करके रख दिए हैं। और बस गाइस टाइम हो गया था करते करते, इसी वक्त देखिए उसके डैडी आ गए हैं और यहाँ पे मैंने उनके लिए बना ली चाय। तो गाइस मैंने दोपहर का खाना खा लिया था तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगी, तो मैंने आधा कप चाय लिया है और यहाँ पे सूर्या के डैडी के लिए लेके जा रही हूँ। तो सूर्या के डैडी हमेशा इसी में कटोरी में चाय पीते हैं, तो इनको देने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए गाइस यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं, बच्चों का भी टाइम होने वाला है वापस आने का स्कूल से, तो यहाँ पे मैंने पास्ता पहले ही बना दिया है कि बच्चे आएंगे तो पास्ता खिला दूंगी इनको नाश्ते में। और यहाँ पे एक प्याज कट कर ली है, टमाटर कट कर लिया है और एक मैं शिमला मिर्च डालूंगी उसमें। तो यहाँ पे गाइस कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और यहाँ पे देखिए मैं पहले ही जिंजर गार्लिक का सुबह पहले था नहीं, तो अभी मैंने बना के रख लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं तेल में डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे सबसे पहले, और गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो मैंने ऑनियन कट करके रखे थे वो डाल देती हूँ, लंबे लंबे स्लाइसिस में कट किए इनको भी, और एक हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी क्योंकि इसमें ज़्यादा लाल मिर्च डलेगी नहीं इसीलिए। तो बस गाइस इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ प्याज को, और उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने डाल दी है एक जो शिमला मिर्च रखी थी उसको कट करके, उसको भी लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर रही थी लेकिन अच्छी तरह से हुई नहीं, तो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी जैसे हुई वैसे डाल दी कट करके। और यहाँ पे टमाटर को भी थोड़े लंबे स्लाइस में कट करके डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और गाइस यहाँ पे थोड़ी हल्दी डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जिस जो कि तीखी नहीं होती है इसीलिए, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा पास्ते में। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है यहाँ पर मैंने, और पास्ता मैंने दूसरी तरफ चढ़ा रखा है और उसमें गाइस पास्ते में मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ा तेल डाल के पास्ते को मैंने बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मेरा मसाला बनके रेडी है एकदम से, और ये देखिए मैंने पास्ता जो है पास्ते का पानी निकाल दिया था और उसको अच्छी तरह से ठंडा करके पास्ता यहाँ पर मैंने मसाले में मिक्स कर दिया है। तो झटपट से बना देती हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं गाइस, तो यहाँ से पहले ही बना के रख दिया है क्योंकि आते ही बच्चे फटाफट से खा लेंगे, क्यों खाने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी जाना रहता है इसीलिए गाइस मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है बच्चों का, वो आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस एकदम स्वादिष्ट पास्ता बन चुके हैं, तो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, और मैं तो मतलब कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ लेकिन जब भी बनाती हूँ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं बनाती हूँ तो। और लास्ट में गाइस यहाँ पर डाल दिया मैंने हरा धनिया, और ये देखिए बनके इधर, और ये देखिए गाइस भूमि आ चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छा बनाएगी, खा लो मैं रात को भी खा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस भूमि ने थोड़ा सा लिया है और वो ही खा के बोल रही है बहुत टेस्टी बनाया है, और रात को भी मेरे लिए यही रखना, मैं रात को पास्ता ही खाऊंगी। तो मुझे और यहाँ पे देखिए इसने यूनिफॉर्म भी नहीं निकाली है, आधी सिर्फ फ्रॉक निकाल के आई है ऊपर की और ये पहन के आई है, तो मैं इसको बोल रही हूँ ड्रेस चेंज कर ले क्योंकि वाइट कलर है तो अगर पास्ता थोड़ा भी गिर गया तो दाग जाएगा नहीं। फिर स्पून ले ले, फोक ले ले, बर्तन ले।
तो बस गाइस अभी बच्चे दोनों पास्ता खा रहे हैं और ये देखिए भूमि को ट्यूशन से लेने के लिए आई हूँ गाइस, क्योंकि जब ये ट्यूशन आते हैं तब मैं वॉक करने के लिए चली जाती हूँ, जैसे इनकी छुट्टी होती है तो गाइस हम लोग वॉक करके वापस आते हैं। तो आजकल थोड़ा अंधेरा जल्दी होने लग गया, पहले अंधेरा कम होता था, आजकल बहुत जल्दी अंधेरा, 6:30 को अंधेरा देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैं बच्चों को लेने आई। तो सूर्या थोड़ा लेट आएगा ट्यूशन से, भूमि मेरे साथ पहले ही जा रही है। तो बस गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।